नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न नंबर 1, इसका तीसरा भाग हम करने जा रहे हैं। गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसमें जो तीसरा भाग है वो है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब हम इसे हल करेंगे। तो जैसा कि हम पिछले भागों में करते आए हैं, सबसे जो पहला भाग है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक है उसे गुना करेंगे बिना एक्स वाली रकम से। तो यहाँ है √2 और यहाँ है 5√2। तो आइए हम इन्हें गुना करते हैं। √2 को जब हम 5√2 से गुना करेंगे तो देखो √2 × √2 होता है 2 और साथ में है 5, तो ये आपस में गुना होंगे। √2 × √2 2, साथ में 5 गुना होगा, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इसका मतलब ये 10 प्लस का है। अब हम इस 10 के फैक्टर निकालेंगे। हमें पता है 10 जो है ये आता है 1 × 10 10, और दूसरा होता है 2 × 5। अब हमें इन दोनों में से, जैसा कि हमने पिछले भागों में सीखा, एक जोड़ा लेना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली रकम 7 बने। तो देखो 10 में 1 प्लस करके आता है 11, 10 में 1 माइनस करके आता है 9। इसका मतलब हमें ये वाला भाग, ये जो जोड़ा नहीं चाहिए। 5 में 2 प्लस करके आता है 7, हमें भी 7 चाहिए। इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा चाहिए होगा, 2 और 5 वाला। तो आइए हम यहाँ पर √2x² की जगह में इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, √2x², यह है 5√2, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, = 0। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। अब ये रह गया 7x। 7x की जगह जो जोड़ा लिखा हमने, 2x और 5x, 2 और 5, इनके साथ x लगा के हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए हमने कहा था यदि इसके साथ प्लस होगा तो ये दोनों रकमों का साइन एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब या दोनों प्लस होंगी या दोनों माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों प्लस होंगी या माइनस, वो यहां से देख लो। ऊपर 7x के साथ कौन सा निशान है, प्लस, इसका मतलब ये दोनों भी प्लस होंगी, क्योंकि +2x और +5x बनाकर ही +7x बनता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक पेयर लेना है, ये एक पेयर लेना है, ये इन दोनों को हमने अलग अलग पेयर बना दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां भी x है, यहां भी x है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये है √2, ये है 2। आप सोचोगे कि यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये √2 है, ये 2 है, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन है। ध्यान से देखो कैसे, मैं इसको यहां करके दिखा रहा हूं, √2 और उधर है 2। 2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, 2 होता है √2 × √2, √2 × √2 2 के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ है √2 और यहाँ है √2 × √2, तो इसका मतलब √2x² + 2 की जगह अगर हम माने √2 × √2, तो इसमें से √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, √2x² में से √2 बाहर चला गया, x² में से x बाहर चला गया, तो बाकी बच गया x प्लस। अब 2x की जगह आप मानो √2 × √2x, इसमें से √2x, √2 और x बाहर चल गया, तो बाकी कितना बच गया, √2 बच गया, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में बच गया √2। यदि आपको इतना भाग नहीं समझ आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये 2x था, 2x को हम लिख सकते हैं √2 × √2x। क्यों, क्योंकि √2 × √2 2 के बराबर होता है। तो इसमें से ये भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन। तो हमारे पास √2x² में से √2x बाहर चला गया, तो बाकी बच गया x प्लस। ये इसकी जगह आप मानोगे √2 × √2x, और उसमें से यदि एक √2 और x बाहर चला गया, तो बाकी बच गया है √2 बच गया है, तो वो √2 हमने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ देखें तो यह है 5x + 5√2, ये दोनों ही 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 कॉमन, यहाँ से 5x में से 5 बाहर चला गया, बाकी बच गया x, 5√2 में से 5 बाहर चला गया, तो बाकी बच गया √2 = 0। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी है x + √2 और यहाँ भी है x + √2, तो अगले स्टेप में x + √2 कॉमन,
यहां से एक्स प्लस रूट दो बाहर चला गया तो बाकी रह गया रूट टू एक्स प्लस, यहां से एक्स प्लस रूट दो बाहर चला गया तो बाकी बच गया 5 बराबर 0। अब अगर ये दो ब्रैकेट्स आपस में गुना होकर 0 हो रही हैं, इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 के बराबर होगी या दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर होगी। यहां से एक्स कितना आ गया, रूट टू है इधर, बराबर के उधर जाएगा तो 0 में से माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस रूट टू। इसी प्रकार से यहां देखेंगे तो रूट टू एक्स किसके बराबर होगा, 5 इधर प्लस हो रहा उधर जाएगा तो 0 में से माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा -5। अगले स्टेप में -5 रूट टू इधर एक्स के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि समीकरण के हल क्या हैं तो आप बोलोगे ये समीकरण के हल हैं एक्स बराबर -√2 और एक्स बराबर -5/√2। ये हैं समीकरण के हल। यदि हमने बताना हो समीकरण के मूल तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल हैं -√2 और -5/√2। ये इस समीकरण के दो मूल हैं। फर्क क्या है मूल में और हल में, मैं हर भाग में आपको समझा रहा हूं। यदि पूछा जाए हल क्या है तो आप x लेकर बोलोगे x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2। ये हैं समीकरण के हल। लेकिन आपसे पूछा जाए समीकरण के मूल बताओ तो मूल होंगे -√2 -5/√2। ये इस समीकरण के मूल हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको, ये प्रश्न का ये भाग थर्ड भाग आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक से ही हमें और मेहनत से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।